कब से गैंग इकट्ठा करने की स्कीम कर रहे हैं। अरे उसमें ठाकुर जिंदा तो था, हम लोग क्या मुर्दे के लिए जय वीरू बनेंगे? अब तक सुना था आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाना, या एक मुर्दे के लिए जिंदा आदमी पकड़ के लाएंगे? व्हाट नॉनसेंस। अरे मुझे सब कुछ समझ आ गया लकी। क्या? यही कि ये खुशी के इंसाफ के झमेले में अपने को पढ़ना ही नहीं चाहिए। यस बट व्हाई? अरे क्योंकि पैदाइशी मनुष्य है। देख पैदा हुई, माँ बाप मर गए, आश्रम में आई, हम सब अलग हो गए। अरे आई बाबा ने गोद लिया तो आई मर गई और बाबा की आई चली गई, आई फॉर एन आई। एक बेचारे ने प्यार क्या किया, उसको भी दो दो मर्डर करके दुबई तक भागना पड़ा। ए भाई इसकी मदद करना तो ऐसा है कि अपने पैरों पे एक्स, ब्लैक मनी पे टैक्स और इंटरवल में ही क्लाइमैक्स। गोपू इज राइट। क्या बकवास कर रहा है यार, मुझे तो लगता है कि कोई आइटम मत पेश करना पप्पी, पहले से बहुत कंफ्यूजन है। और गोपू तू कुछ बोलना है यार, तू बोल ही नहीं रहा है। ये बेचारा क्या बोलेगा, बीवी से बेटी बन गई, बेटी से भूतनी बन गई, और वो भूतनी के लिए अभी हम इंसानों से भिड़ेंगे। देख गोपू, जब तक ये घर वर खाली करने का था ना तब तक ठीक था, अब ये भूत इंसाफ ये सब झमेले में हमको नहीं पड़ना है यार। और वो निखिल सुना ना, बात बात पे मर्डर करता है। यस गोपू। मैं तो बोलता हूं हम लोग है ना यहां से भाग जाते। इससे अच्छा है माधव, क्या हो गया है तुम लोगों को? सुना है ना क्या कहा, उन लोगों ने खुशी की जान ली, उस खुशी की जिसपे हम कभी जान देते थे। और शबनम दास जी, अगर वो नहीं होते तो हम किसी सड़क पर पड़े होते। जिस आश्रम में पले पड़े हुए, आज उसी आश्रम के बच्चों को बेघर होने दे, नहीं, खुशी ने उन बच्चों के लिए अपनी जान दी, उन बच्चों के लिए, और खुशी को इंसाफ दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या नहीं। अरे अरे गोपू सुन ना यार, गोपू गोपू, अरे सुनो, खुशी की कुछ चीजें हैं, सामान वगैरह निकालना है अलमारी से, थोड़ी मदद कर दोगे? ए पिछलो पिछलो, संभल के, क्या गिरा? इट्स अ डायरी बाबा, इसमें अरबिक में कुछ लिखा है, असफाल असफूल, उल्टी पकड़ी है। अच्छा, अरे खुशी की होगी, रोज लिखा करती थी उसमें, कभी कभी मुझे भी पढ़कर सुनाती थी। गोपाल तू ये ना, वो जो बंगलों पर कब्जा करके बैठा है, अपना भाई को लेके निकल जा, नहीं तो तुम दोनों के साथ साथ उस आंधे भूटे को भी उठा के फेंक दूंगा। तू जानता नहीं है निखिल और वासु रेड्डी को जमीन के लिए जान ले लेते हैं। कौन है तू? यहाँ का हीरो है, रॉबिन हुड है, मसीहा है? आश्रम में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अनाथ हूँ। गोपाल उंगली तोड़ता था लेकिन उसने हमेशा मेरी उंगली थाम के रखी। पहला लक्ष्मण रोता था जब मैं रोती थी और दूसरा लक्ष्मण मेरी रोनी सूरत देखकर मुझे खूब हंसाता था। लकी को जब भी कुछ पैसे मिलते थे तो सबसे पहले वो खुद के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खिलौने, कपड़े और तोहफे लाता था। और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि माधव ने मेरी बालों की चोटी ना बनाई हो। मैं जब भी पूछती थी क्यों बनाते हो तो कहता था आज बाल दिवस है खुशी, बाल दिवस। के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन ऐना दीदी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया,
इतना प्यार दिया कि सच कहूं तो आज मुझे आई की कमी महसूस ही नहीं हो रही। आज मैं निखिल से मिली, मिलते ही एक इंस्टेंट कनेक्शन सा बन गया हमारे बीच। ही इज रियली नाइस। बाबा मान गए, आज निखिल से मेरी शादी तय हो गई है। मेरा हर सपना पूरा होगा, मेरी भी फैमिली होगी। उन पांचों ने मेरा सही नाम रखा था, खुशी। उनको शायद पता था कि जिंदगी भर मेरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आने वाली हैं।